नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन यानी कि 28 दिसंबर 2019 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा टायरिंग और टैक्सिंग हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक आते आते सिचुएशंस को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में ले लेंगे। जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, परिस्थितियां आपके अनुरूप हो जाएंगी। आप सिचुएशंस को बेहतरीन तरीके से एक देख पाएंगे, निरीक्षण कर पाएंगे। आर्थिक उन्नति के कुछ ना कुछ आपको साधन अपने लिए आगे आते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ आज के दिन आपके लिए संबंधों को लेकर कुछ ना कुछ एक विस्तार होगा, नवीनता होगी, प्रगाढ़ता आएगी और आपका मन कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। आज के दिन विशेष ध्यान रखना है माइंड बॉडी सोल का बैलेंस बनाकर रखें। छोटी छोटी चीजों में तनाव में या आवेश में आने से अपने आप को रोक कर रखें। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। भाई, क्या आप चाहते हैं आज के दिन अपने जीवन में, वो प्रायोरिटीज को आज के दिन पहले लाइन अप करिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ने का मन बनाइए और धीरे धीरे सिचुएशंस को कंट्रोल में करने की कोशिश करिए। एक ही दिन में अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल है। आज के दिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। प्रायोरिटीज को लाइन अप करके चलें, विकल्पों का चुनाव सोच समझ कर करें, आपकी परिस्थिति स्थिरता की ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन आपके परिवार से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता हो सकती है। परिवार में कोई आपके माता पिता या माता या पिता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको अचानक से परेशान कर सकती है। छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस में आना अपने आप को बंद करिए, अपने आप को परेशानी देना बंद करिए। परिस्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर दरवाजे पे खड़ी हुई है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके संबंधों पर आप विचार कर चलिए, आपको शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। मन, परिस्थिति, विचारधारा शुभता की ओर बढ़ रही है। सिचुएशंस आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट की तरफ मूव करती हुई दिख रही हैं। आज के दिन अपने निजी संबंधों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। किसी तीसरे पर्सन की बातों पर मत आइए। जो आप सामने परिस्थिति देख रहे हैं उस पर भरोसा करिए। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है तो आप समय आने पर कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कोई परिस्थिति आपको परेशान कर रही है तो उसको कंट्रोल करने का पहला दायित्व आपके ऊपर ही आता है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, आपको शुभ संकेत अपने निजी संबंधों में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, बड़े समय के बाद ये विस्तार का फेज आपके जीवन में आया है, जिसकी शुरुआत आज से होती है। जिस तरह से, जिस परेशानी से आप गुजर रहे थे, आप जद्दोजहद में लगे हुए थे, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, अब सिचुएशंस आपके काम भर के फेवर में तो आ गई हैं, कंट्रोल में आ गई हैं और विस्तार के साथ चलते चलिए, आपको शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। मन, विचारधारा, परिस्थिति आपके कंट्रोल में है। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि सबसे पहले ठहराव जीवन में लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ठहराव लाइए, अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग करिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। परिवार में हार्मनी ऑलरेडी आ चुकी है, जहां पर आपको जिस तरह से, जिस एस्पेक्ट से चिंता रहती थी, वो सिचुएशंस आपने काम भर की तो कंट्रोल में कर ली है। बस आज के दिन प्रायोरिटीज बनाइए, उन पे अमल करिए और आगे चलते चलिए, आपको शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने मन को, विचारधाराओं को कंट्रोल में रखकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहिए। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर हटाइए। ऐसे लोगों से सही समय पर डिटैच हो जाने में ही समझदारी है, जो लोग आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं या आपको प्रेरित करते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने जीवन में लाने के लिए। यानी कि डिप्रेशन से वो अगर व्यक्ति ग्रस्त है तो वो सामने वाला आपको नेगेटिविटी ही देकर जाएगा, और अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं इतनी स्ट्रांग विल पावर होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में कमी है, आप दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको निर्णय लेना है, अपनी सोच में, विचारों में पॉजिटिविटी लानी है कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक लोगों से आप दूर रहेंगे अपने आप को, और उसके साथ साथ आपको अपने लिए कोई रणनीति नई बनानी चाहिए जो आपकी मेंटली और फाइनेंशियली आपको कोई ना कोई शुभ संकेत देकर जाए। आज के दिन आप अपनी आर्थिक उन्नति को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि जिस खूबी के साथ आप अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, काबिले तारीफ है कि आपने इतनी अपनी सूझबूझ समझ के साथ, इतनी परख के साथ चीजों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में लाया है।
ऐसे ही चलते चले तो आपकी सिचुएशंस और बेटर हो जाएंगी। आपके परिवार में कोई ना कोई शुभ संकेत आ रहा है, शुभता आ रही है, शुभता का विस्तार हो रहा है। परिवार के लोग आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा रखते हैं, कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आपका इमोशनल एस्पेक्ट आपको संवेदनशील बना देता है। इसलिए आगे आने वाले साल में, जिसकी शुरुआत आज से होती है, आप अपने लिए कोई एक निर्णय लीजिए कि विपरीत परिस्थिति में आप संवेदनशील नहीं रहेंगे या फिर अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। आज के दिन आपका द्वारा लिया हुआ निर्णय आपको शुभता की ओर भेज सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन नेगेटिविटी से अपने आप को बचा कर रखें। एंगर से, यानी कि आपको अगर बीच बीच में कुछ ना कुछ गुस्सा आ रहा है या आप आवेश में आ जाते हैं या आप कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति को कंट्रोल में करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। उस व्यक्ति विशेष से आपको दूर रखने की हिदायत दी जाती है जो आपके मन में सिर्फ नकारात्मक विचारों का ही संचार करता है। उस व्यक्ति से दूर हो जाएं राइट टाइम पे। वो आपके कोई ना कोई घनिष्ठ मित्र आपके संपर्क में भी हो सकता है, आपका एक्वेंटेंस भी हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है, उस व्यक्ति से दूर रहना है। या तो आप उनकी तरह नेगेटिव हो जाइए या आप उनको पॉजिटिव कर दीजिए। फिलहाल के लिए आपको अपनी परिस्थिति को कंट्रोल में करने के लिए डिटैचमेंट जरूरी है, क्योंकि आपका जो एक झुकाव है वो आपकी परिस्थितियों की तरफ ज्यादा होना चाहिए। नया साल आने वाला है, आज के दिन से शुरुआत की गई आपकी रणनीतियों में आपको शुभ संकेत देकर चली जाएगी। इसलिए प्रायोरिटीज को चेंज करिए, पैराडाइम शिफ्ट में फोकस में लेके आइए, आपको शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज के दिन फोकस बना के रखिए अपने आपके निजी संबंध, परिवार के साथ समय बिताइए, चिड़चिड़ेपन को दूर करिए, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करिए। आपके अंदर जैसे ही चेंजेस आने शुरू होंगे, ऑटोमेटिकली आप अपने पार्टनर में भी पॉजिटिविटी देखने लगेंगे। आपका पार्टनर आपके लिए हर तरफ से हर प्रकार की परिस्थिति में खड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभार आप इस चीज को, इस परिस्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। इस चीज को चेरिश करिए, इसका स्वागत करिए कि आपको इतना अच्छा आपके पार्टनर की तरफ से सहयोग मिल रहा है। आगे बढ़ते रहिए, इतनी आपकी विचारधारा इतनी स्पष्ट रहती है जीवन में, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन बीच बीच में जो इमोशनल डिस्कनेक्ट आपका अपने निजी जीवन की तरफ से मिलता है या रहता है, उससे आपकी परिस्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है। इसलिए आज के दिन अपनी प्रायोरिटीज को अपने निजी संबंधों पर डालिए और फिर देखिए कि जितनी आप पॉजिटिविटी या सकारात्मक ऊर्जा अपने रिश्तों में देंगे, उतना आपको शुभ संकेत आने वाले साल में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, शुभ संकेत आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। साल के शुरुआत से जिस काम में आप लगे हुए थे या बहुत सालों से जिस तनाव में थे, उस तनाव से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। आर्थिक उन्नति के बेहतरीन साधन आपके सामने आने वाले हैं। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन, परिस्थिति, विचारधारा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। नकारात्मक लोगों से, विचारों से आप बहुत जल्दी निजात पाने वाले हैं, या मैं ये कहूं कि आपने अपने अंदर विस्तार का एक फेज स्टार्ट किया है जो आपको आत्म शांति देकर जा रहा है। ये ठहराव, ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है आपके लिए आगे आने वाले समय में, जिसकी शुरुआत आज के दिन से होती है। आपको और परिस्थिति आपके लिए बेटर होती हुई दिखाई दे जाएगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। भाई मकर राशि वालों, आज के दिन तनाव से बचिए, आज के दिन नकारात्मकता से अपने आप को बचा कर रखिए, दूर रखिए, ऐसे दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। आज के दिन अगर आपने कोई प्लानिंग कर रहे हैं कोई नया काम करने की, तो उस पे और ठहराव आएगा, यानी कि लिखा पढ़त और मजबूत होगी। आप किसी अपने घनिष्ठ मित्र के साथ काम करने की सोच सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत के आसपास आप अपना ये काम शुरू कर सकते हैं, तो वैसे आपको ठहराव वहां से मिल जाएगा। आज के दिन आपको विशेष सुकून की जरूरत है, जो परिस्थिति काम भर के लिए आपके लिए ठहराव लेकर ऑलरेडी आ चुकी है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, साल आने वाला आपके लिए कोई ना कोई शुभ संकेत लेकर आएगा। आज के दिन से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ अपने निजी जीवन को लेकर नए या महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी ले सकते हैं। आपका घर भी चेंज हो सकता है, निवास स्थान भी चेंज हो सकता है। परिवर्तन आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, जो आपके जीवन में आपकी परिस्थिति में शुभ संकेत लेकर लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। चिंता की कोई खास विजय है नहीं, इतनी मेहनत से जो आप लगे हुए थे, वो शुभ संकेत आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। अपने परिवार से आपको और स्ट्रेंथन करना है अपना बॉन्ड, अपनी नकारात्मकता को अपने आप से दूर रखने के लिए जो भी आपको अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए स्टेप लेने आज के दिन ले लीजिए, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं, तो आज के दिन आपके परिवार में कोई ना कोई
शुभ संकेत आपको मिलेगा। गेट टुगेदर हो सकती है, कोई आयोजन हो सकता है, परिवार के साथ समय बिताने के लिए आप एक कलेक्टिव यात्रा पे जा सकते हैं। आपके द्वारा अपने परिवार के साथ बिताया गया समय आपकी ऊर्जा में पॉजिटिव संचार करेगा, आपकी मन परिस्थिति को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करेगा, आपकी विचारधारा में कोई ना कोई आप संकेत पॉजिटिव देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा संकेत है, विस्तार की आपको एक सूचना देकर जा रहा है। आप अगर विवाहित हैं तो आप बेबी भी प्लान कर सकते हैं, और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो अगले साल के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ अपने लिए एक नवीनता का संचार अपने निजी जीवन में भी होता हुआ देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि निजी जीवन या आपकी पारिवारिक स्थिति तो महत्वपूर्ण तरीके से आज से जिसकी शुरुआत होती है बेहतरीन तरीके से लाइनअप हो रही है, चीजें प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ रही हैं। कार्य क्षेत्र में भी आज के दिन आपका सामान्य रहेगा, या मैं ये कहूँ माइंड बॉडी सोल का बैलेंस बना रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहेगा। ये बहुत अच्छी बेहतरीन परिस्थिति है जो इतने दिनों के बाद आपके जीवन में आई है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।